राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वच्छ परियोजना का उदयपुर में एक बार फिर जोरदार विरोध देखने को मिला है। जनजाति विभाग के अंतर्गत संचालित होने वाली स्वच्छ परियोजना अधिकारियों और कर्मचारियों की मांगों के अनुसार सरकारी और गैर सरकारी होकर समय के मुताबिक बदल जाती है। ऐसे में अपनी लंबित मांगों को लेकर बीते कई वर्षों से संघर्ष कर रहे इन कर्मचारियों ने आज प्रदेश स्तर पर पैन डाउन करते हुए हड़ताल कर दी। राजस्थान मांबाड़ी शिक्षा सहयोगी संघ और स्वच्छ परियोजना संघर्ष समिति के बैनर तले पूरे राजस्थान में मांबाड़ी आंगन केंद्रों पर ताला लगा दिया गया और सभी कर्मचारी हड़ताल पर उतर गए। अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर उतरे कर्मचारियों ने RSR के नियमों के तहत अनुकंपा नियुक्ति, मांबाड़ी और डे केयर केंद्रों में कार्यरत शिक्षा सहयोगियों के मानदेय में वृद्धि, प्लेसमेंट एजेंसी से नौकरी पर लगे लोगों और शिक्षा सहयोगियों को संविदा कर्मी का दर्जा प्रदान करने के साथ ही नियमानुसार 10% तक हर वर्ष होने वाली मानदेय में वृद्धि को तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग करते हुए परियोजना अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इन कर्मचारियों ने बताया कि अधिकारियों के हित की बात हो तो परियोजना सरकारी हो जाती है और जब कर्मचारियों की कोई मांग की बात हो तो इसे एक NGO बना दिया जाता है। इस पूरे मामले पर स्वच्छ परियोजना अधिकारी नरेश पानेरी ने बताया कि कर्मचारियों की जायज मांगों को देखते हुए उन्हें निदेशालय तक पहुंचा दिया गया है। इन संघर्षरत कर्मचारियों के मुताबिक स्वच्छ परियोजना की नियमावली में RSR के नियम लागू होने की बात साफ लिखी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार के नियम यहाँ के अधिकारी मानने को तैयार ही नहीं है। योगियों का और हमारे जो प्लेसमेंट के जो साथी हैं कार्मिक, उनका जो यहाँ प्रदर्शन हो रहा है, इनका हमें ज्ञापन प्राप्त हुआ है, हुआ था, और हमने प्रधान कार्यालय में हमारे परियोजना प्रबंधक जी को प्रेषित कर दिया है और उनको अवगत भी करा दिया है कि ये मांगे हैं। पर मैं आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ कि जो भी मानदेय निर्धारण का काम है या वेतन निर्धारण का काम है या जो अन्य मांगे हैं, ये हमारा जो निदेशालय है उनके स्तर से ही इसकी जो है पूरी कार्रवाई की जाएगी। हम तो जो भी सूचना आई है उसको आगे प्रेषित किया है, पर निदेशालय से इसकी जो पूर्तियाँ हैं वो निदेशालय स्तर से पूरी की जाएंगी, और आज हम इसकी रिपोर्ट लेके हम निदेशालय में और अवगत कराएंगे कि आज हमारे बहुत सारे साथी आज यहाँ धरने पे बैठे हैं और अनिश्चितकालीन धरने पे हैं, तो हम परियोजना प्रबंधक जी को, निदेशक जी को और आज अवगत करा देंगे। मेरा नाम प्रकाश माथुर है और हमारे कुछ साथी हैं जो सत्र 2096 से पहले से इस स्वच्छ परियोजना में कार्यरत हैं। वर्तमान में स्वच्छ परियोजना में जो कि 2000 के बाद के भी लगे हुए हैं उन्हें नियमित पे ग्रेड दे दी गई है। उसके बाद साथ ही हमारे कुछ साथी जुड़े हैं जिन्हें प्लेसमेंट में के माध्यम से रखा गया था, कुछ हमारे ये साथी हैं मांबाड़ी जो शिक्षा सहयोगी हैं, इन लोगों को कमेटी के माध्यम से रखा गया, जबकि कार्य सभी का एक समान है। जो आज नियमित हैं उनका भी कार्य वही है और जो आज प्लेसमेंट से और इस तरह से फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन इतने वर्षों से सभी जनों ने समय समय पर अपनी मांगें रखी है, लेकिन आज तक उन मांगों का कोई निस्तारण नहीं हुआ है। जब एक ही शब्द आता है सामने कि आप तो NGO में हो, संस्था के लोग हो, आप सरकार के आदमी नहीं हो, जब ये NGO में हैं और ये सारे सरकार के काम इन्हीं के माध्यम से हो रहे हैं, आज जो आपके सामने जो इतनी भीड़ इकट्ठी हो रही है, वास्तव में अगर वो कहा जाता है कि कंगूरा कैसे बनता है और उसकी नींव की ईंट कौन है, तो आज ये सभी साथी जो बैठे हैं ये नींव की ईंट है। जिस समय अगर कोई मंत्रिमंडल, कोई आयोग अध्यक्ष, कोई केंद्रीय आयोग अध्यक्ष, राज्य आयोग अध्यक्ष या किसी कोई भी सरकारी तंत्र जो उच्च लेवल के हैं, जब इनके द्वारा विजिटें कराई जाती है, जब ये सब सरकारी कर्मचारी बन जाते हैं, उस समय इनके ऊपर एक ही आता है कि ये हो रहा है, सभी साथी एक होकर के उस विजिटों को सफल बनवाते हैं। मेरा नाम कल्पना है, हम जाड़ोल से हैं, हम स्वास्थ्य कर्मी हैं, तो हमारे वेतन है जो 2800 रुपये दिन का, मतलब मजदूरी भी नहीं मिलती हमें, और आशा के जितना और कार्यकर्ता के जितना हमें काम करवाते हैं, और हमारा वेतन इतना कम है जिससे कि हमारा राशन पानी का भी पूरा नहीं होता है, और हमें फील्ड में जाना पड़ता है, झाड़ोल जाँच करवाने मतलब जाना पड़ता है इतना दूर से, उसके मतलब किराया भी पूरा नहीं होता हमारे हमारे बढ़ाया जाए वेतन मानदेय। हमारी मांगे ये है कि मांबाड़ी शिक्षा सहयोगी को जो मानदेय मिलता है वो प्रतिवर्ष 10% तक बढ़ाया जाता है, 10% बढ़ा करके देते हैं, वो
हमको पिछले 3 साल से मानदेय बढ़ा करके नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा हमारा कोई शिक्षा सहयोगी इस अवधि में कार्य करते हुए मर जाता है, उसके परिवार में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है जो उसको रोज़गार मिले, इसलिए अनुकंपा के आधार पर उसको नौकरी मिले। इसके साथ ही हमारे प्लेसमेंट एजेंसी में कार्यरत बंधु उनको भी संविदाकर्मी का दर्जा मिले, हमारे माबाड़ी शिक्षा सहयोगी भी संविदाकर्मी उनको बनाया जाए ताकि भविष्य में उनको परमानेंट किया जाए, और हमको भी जैसे हम भी वही स्कूल चला रहे हैं जैसे गवर्नमेंट में जो स्कूल चलाता है उसी प्रकार से हमारा स्कूल चल रहा है। हमारे स्कूल चेक करने के लिए मार्गरेट अल्वा राजस्थान की राज्यपाल थी, उसने भी आकर के चेक किया, लेकिन हम उन गवर्नमेंट स्कूल से भी ज़्यादा परिणाम दे रहे हैं, फिर भी हमारी आज ये दुर्गति है कि हमारा परिवार चलाना हम सब के लिए दूर दिन आ गए हैं। और यदि ऐसा नहीं होता है तो हम इस धरने को अनिश्चित काल के लिए हम आगे बढ़ाएंगे। आज तो पूरे राजस्थान बंद का धरना है, और जितने भी हमारे शिक्षा सहयोगी हैं, जितने भी माबाड़ी शिक्षा केंद्र चल रहे हैं पूरे राजस्थान में एक आवाज़ में बंद है, और ये आवाज़ बिल्कुल जब तक सरकार नहीं चेतेगी तब तक इस प्रकार की स्थिति लागू रहेगी। मेरा नाम प्रफुल्ला भट्ट है, मेरे हस्बैंड यहाँ पे 22 साल तक यहाँ पे जॉब करी है, पर आज उनको डेथ हो गई है 2003 में, तीन साल हुए पर अभी तक यहाँ पे कोई मतलब अनुकंपा दे ही नहीं रहे मुझे, और 3 साल से बात टाल ही रहे हैं लोग। इनके नियमों में अनुकंपा नियुक्ति है, प्रावधान है, सारे नियम तो RSR के चल रहे हैं, फिर भी ये लोग अनुकंपा नहीं दे रहे हैं, और 3 साल हो गए मैं आज मुझे प्लेसमेंट पे लगा रखा है इन्होंने, परमानेंट कर ही नहीं रहे ना अनुकंपा दे रहे हैं। अभी मेरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, उनके आज 10,000 तनख्वाह में क्या होगा।